तो आज की हमारी इस पिवट टेबल से हम बात करेंगे एक्सटर्नल पिवट टेबल की। जी हाँ, हम पिवट टेबल में एक्सटर्नल पिवट टेबल की बात करेंगे और हम बात करेंगे कैसे हम अपने डेटा में एक्सटर्नल पिवट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें से इसमें से सर रिकॉर्डिंग। जी हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दी है। Recording in progress. इसके बाद हम इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट में हम करते हैं पिवट टेबल। पिवट टेबल अब जैसे क्या होता है कि हम सबसे पहले इस चीज़ को जानते हैं कि हम किसी और क्या किसी और शीट से पिवट टेबल लगाएंगे ही क्यों, क्योंकि हम नॉर्मली तो पिवट टेबल लगा ही रहे हैं, तो डिफरेंट शीट से हमें पिवट टेबल लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसका रीजन दो तीन रीजन्स हैं, चलिए उस रीजन्स को समझते हैं। जैसे आपके सामने आपका डेटा है और डेटा में देखिए मेरा 800 तक डेटा है हमारा, तो मान लीजिए कि मैंने इसमें पिवट लगाया। तो जैसे कि पिवट लगाने के बाद मैंने यहाँ पे ले लिया एरिया, प्लीज़ म्यूट कर लीजिए, शोर आ रहा है। राजेश कुमार जी म्यूट रखिए प्लीज़। नहीं, मेरे पास तो नहीं है सर। आप ही के बैकग्राउंड से आ रहा है क्योंकि राशि जी ने तो म्यूट कर रखा है ना। तो यहाँ पे आपने देखा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी जो कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर मैंने कुछ यहाँ ऐड किया तो हमारे इस पिवट में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। रिफ्लेक्ट करवाने के लिए मुझे पिवट में जाके चेंज डेटा सोर्स में जाके हमें उसको अपडेट करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यहाँ कहाँ होती है? प्रॉब्लम यहाँ पे होती है जब आपके पास अगर कोई ऐसा मास्टर फाइल है जो कि डेली बेसिस पे आपको यूज करना होता है। हाँ सही है। आप डेली बेसिस में आप क्या करेंगे, फाइल को अपडेट करेंगे, तो एवरी डे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पिवट का रेंज चेंज करना पड़ेगा। तो क्या तरीका है जिससे ऐसा हम ना करना पड़े? तो उसके दो तीन तरीके हैं। तो पहला तरीका है कि आप अपने डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। यहाँ फॉर्मेट इज टेबल और यहाँ से आपने इसको टेबल में कन्वर्ट करके ओके कर दिया। अब आपका डेटा टेबल बन गया। अब जब आप पिवट टेबल जब इसमें आप लगाएंगे तो पिवट टेबल एक रेंज नहीं, एक टेबल वन लेगा, क्योंकि जो एरिया जिसको आपने टेबल में कन्वर्ट किया है उसका नाम टेबल है और टेबल को रीड करेगा। अब मैं यहाँ पे नेम देता हूँ और मैं यहाँ पे क्वांटिटी देता हूँ, तो क्या होगा कि अगर मैं इस पर कोई एंट्री करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि 800 आज की डेट, और मैं यहाँ पे डेट लिख देता हूँ और यहाँ पे कुछ अमाउंट लिख देता हूँ। अब देखिए हमें जस्ट अपने पिवट को रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश तो करना पड़ेगा आपको, आ गया। बट क्या है कि टेबल जो है हर सिचुएशन में वर्क नहीं करती है, टेबल में प्रॉब्लम होती है, टेबल हर सिचुएशन में वर्क नहीं करती है। तो सबसे पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ, टेबल को कन्वर्ट इन द रेंज। जब कॉपी पेस्ट करते हैं और टेबल के साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है तो वहाँ पे टेबल सही से परफॉर्म नहीं करेगा। तो क्या करेंगे इसके लिए? तो इसके लिए हम जो है एक्सटर्नल पिवट टेबल का यूज करेंगे। जी एक बार मैं फाइल को सेव कर देता हूँ। तो कैसे जाएंगे हम नई सीट पे जाएंगे? अब देखिए नॉर्मल तो डेटा सेलेक्ट करके पिवट लगाते हैं, लेकिन आपको एक्सटर्नल पिवट के लिए आपको उसी सीट पे उसी लोकेशन पे आप कर्सर रखिए जहाँ पे आपको पिवट शो करना है। देन पिवट टेबल, उसके बाद यहाँ हम जाते हैं यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स, चूज कनेक्शन। बेटा गलत है, ये गलत है, देखिए हाँ वन आया, अब ये क्या हो गया फाइव, तो 14 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा, 14 में से 9 घटाना है, 14 से गिनती नहीं, 13 से गिनती करना।
यहाँ पे हम जाएंगे ब्राउज फॉर मोर, और हम यहाँ अपने लोकेशन में आएंगे जहाँ मेरा डेटा है, उस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, देन ओपन, और उसके बाद हमने यहाँ पे सीट वन को सिलेक्ट करके ओके कर दिया, देन तो आपके सामने हमारा डेटा आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें अपना जो नाम देना दे दीजिए। अब इसमें अब फर्क होगा क्या कि आप अपना डेटा में कुछ भी ऐड कीजिएगा। लास्ट में मान लीजिए मैं यहाँ पे 800.01 और आज का डेट डाल देता हूँ, और यहाँ पे जैसे नाम मैंने डाल दिया सोल शर्मा, और यहाँ पे अपना हम बात डाल। अब मैं इसको अपने पीवर्ड को जाता हूँ और पीवर्ड को जस्ट रिफ्रेश करता हूँ, देखिए आ गया सोनू 85। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने कोई कॉलम ऐड किया तो कॉलम नहीं आया। वैसे मेरे जैन है ना, ये 500 से 15 जाएगा तो 0 में से 5 गया 5, हाँ 0 में 10 हो गया ना, 10 में से 5 गया 5 होगा, तो जब 9 में से 1 गया 8 होगा, एंड 5 में से 10 है, हाँ तो 10 में से 5 होगा, 10 में से 9 नहीं, हाँ 9 हो जाएगा ना, फिर 9 में से 1 जाएगा ना, जब ये 10 हुआ तो 9 हो जाएगा ना, 0 जब 10 होगा तो अगला 0 9 हो जाएगा। सॉरी सर, मेरा बेटा मेरे साथ पढ़ रहा है ना, स्कूल वगैरह कोरोना में बंद हो चल रहे हैं लॉकडाउन के चक्कर में, तो बेटा मेरे साथ ही पढ़ रहा है, तो मुझे क्या है उसको ही बताना पड़ता है, उसके पास पेशेंस नहीं है ना कि इंतज़ार करेगा, वो आगे बीच में ही बोल देता है। ठीक है मैम, तो अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो हमारा मंथ यहाँ पे नहीं शो किया। मतलब कि जब आप एक्सटर्नल मेथड से लगाते हैं पिवट तो आपका कॉलम्स रीड नहीं करता है, आपका मंथ सिर्फ जो है डेटा रीड करता है। तो क्या तरीका है, तो एक तरीका तो है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उस केस में हम लगा उस चीज़ के लिए यूज करते हैं ऑफसेट का फॉर्मूला। ऑफसेट हमने रेफरेंस को सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने सेलेक्ट किया रो 0 कॉलम 0 एंड नहीं यहाँ पे डॉट लग गया माफ कीजिएगा, रो 0 कॉलम 0, हाइट में मैंने फॉर्मूला लगाया काउंट ए का, जो कि यहाँ से पूरे डेटा को काउंट करेगा, और विड्थ में भी हमने काउंट ए लगाया और काउंट ए में हमने रो को ले लिया। तो ये क्या ऑफसेट क्या करता है, आप जो हाइट और विड्थ देते हैं उसके हिसाब से वो एड्रेस देता है। देखिए यहाँ पे एड्रेस दे देगा, एड्रेस दे दिया तो डेटा आ गया। अब प्रॉब्लम है कि ये पिवट टेबल बोलता है कि हम कोई फार्मूला एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम डेटा नेम एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट रेफरेंस एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि यहाँ डिफाइन में जाके इसको डिफाइन नेम में हमने इसका नाम डाल दिया डेटा, और यहाँ पर उस फॉर्मूले को मैंने डाल, अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ किसी और सीट पे पिवट लगाना है मुझे, तो यहाँ पे हम सिर्फ लिख देंगे डेटा, जो आपने डेटा नेम डिफाइन किया है, देन ओके कर दीजिए, पिवट आपके हल लग गया। अब मुझे इसे मंथ नहीं, इसमें देखिए सब कॉलम शो कर रहा है। अब मैं यहाँ पे एक कॉलम ऐड करता हूँ, मैं यहाँ डालता हूँ हेडिंग में मंथ, और यहाँ पे हम देते हैं जैन फाइव मार्च जो है वो डाल देते हैं। तो आप देखिए इसमें आपको एक बार रिफ्रेश कीजिए, रिफ्रेश करते हैं आपको यहाँ पे देखिए मंथ तक नेम, सॉरी हाँ यहाँ माफ कीजिए हम गलत लगा रहे थे, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए
मंथ आ गया, मंथ वाइज टोटल। तो एक्सटर्नल पिवट टेबल में आपका ऑटोमेटिक रेफरेंस कैसे चेंज होगा, समझ में आ गया? थोड़ा सा एक बार क्लैरिफाई करें एक बार जस्ट। हाँ, ये ऑफसेट वाला थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा सा एक बार आप 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। डोंट वरी, जब हम ऑफसेट पढ़ाएंगे तो उसको और अच्छे तरीके से पढ़ा देंगे। अब यहाँ पे एक और बात आती है, जब हम एक्सटर्नल पिवट टेबल का जब यूज करते हैं तो एक और रीजन से यूज करते हैं। क्या होता है कि आपके पास ऑफिस में एक मास्टर डेटा होता है, मास्टर डेटा में बहुत सारे बहुत ज़्यादा डेटा होता है, और वो डेटा जब भी आप ओपन करते हैं तो कुछ सेकेंड्स के लिए आपका पीसी हैंग हो जाता है, और जब भी उसमें कुछ चेंजिंग करते हैं तो हर बार प्रोसेसिंग टाइम जो लेता है और आपका सिस्टम को स्लो कर देता है, ठीक है? तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल पिवट टेबल किसी अनोदर फाइल में, मैंने मेरा फाइल पड़ा है किसी और जो लोकेशन पे, और किसी और फाइल में हम पिवट टेबल इंसर्ट कर लेते हैं सेम मेथड से। यहाँ पर आपको सीट सेलेक्ट करना होगा, सीट वन एंड ओके, आपका पिवट सेलेक्टेड होगा। दूसरा, अगर आपके पास एम एस एक्सेस डेटाबेस है तो आप एम एस एक्सेस डेटाबेस को डायरेक्ट पिवट फॉर्म में ला सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इसमें डाउनलोड डॉक्यूमेंट में गया और यहाँ पे डेटा वाले फाइल को लिया एंड ओपन, हमने डेटा को सिलेक्ट कर लिया एंड ओके एंड ओके। अब देखिए हमारा एक्सेस में सक्सेस से लगा हुआ, क्लियर है सर? उसी तरह से अगर मान लीजिए आपका एम एस एसक्यूएल में डेटा है तो आप एसक्यूएल सर्वर से भी ला सकते हैं, ओरेकल से भी ला सकते हैं। कैसे लाएंगे? आपको ब्राउज फॉर मी और यहाँ न्यू सोर्स पे जाना होगा। एसक्यूएल सर्वर के लिए एसक्यूएल सर्वर सेलेक्ट कर लीजिए, वहाँ से डेटा ला दीजिए। ओरेकल के लिए आप ओरेकल सेलेक्ट कीजिए, वहाँ से डेटा ले आइए। तो आप यहाँ से डेटा आप लेके जा सकते हैं, ला सकते हैं, ओरेकल या एसक्यूएल दोनों से, ठीक है सर? ओके सर। अब सिस्टम में है नहीं पता करके दिखा दूंगा। अगर कोई ऑडियो फाइल है जिसका आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या पाथ होगा, किस तरह से लगाएंगे, तो उस फाइल की पूरी पाथ लाके यहाँ पेस्ट करके ओपन कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली इसको कंसीडर कर लेगा, ठीक है? ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लेगा। तो एक्सेल में पिवट टेबल पे आप प्रैक्टिस कीजिए।